आज कथा का पहला दिन है। बातें मेघा की हो रही हैं, तो मेघा का गुरु स्थान से सीधा संबंध है। वो स्थान, वो नीम का पेड़ जिसके बारे में बाबा कहा करते थे कि यहां मैंने अपने गुरु के साथ 12 वर्ष तपस्या की है। हम सब में से शिरडी कितने लोग गए हैं और हम सब में से गुरु स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य कितनों को मिला है। इतने सारे लोग शिरडी गए हैं और सिर्फ 4 या 5 लोगों ने गुरु स्थान देखा है। अच्छा, जितनों ने देखा है उनमें से मुझे यह बताइए कि साईं बाबा की जो तस्वीर रखी है उसके आगे क्या रखा है। गुरु स्थान में एक छोटा सा मंदिर है नीम के पेड़ के बिल्कुल सामने। वो नीम का पेड़ जिसकी पत्तियां झड़ती हैं तो हम उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं कि एक पत्ता हमको मिल जाए। उसके आगे क्या रखा है? शिवलिंग रखा है, किसी ने देखा है? मेघा की बात थी। एक दिन पुणे से एक व्यापारी आया। वो आया तो बाबा के लिए भेंट लेकर के आया। वो भेंट था एक शिवलिंग। बाबा ने उसको हाथ लगाया, भेंट को स्वीकार किया और फिर बाबा ने मेघा को बुला भेजा कि मेघा तू इधर आ, ये ले तेरे भोले आए हैं। तू बहुत प्यार करता है ना तेरे शंकर से, ले ये शिवलिंग, ये महाशय तेरे लिए लेकर के आए। मेघा तो खुशी से झूम उठा और उस शिवलिंग का अभिषेक करने लगा और गाने लगा। शिवाय नमः शिवाय, मेघा की उस शिवलिंग की पूजा का आनंद भी हम सब करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले बार बार हो। कैलाश के निवासी हो, कभी निराश ना किया भक्तों को, तूने शिव कभी निराश ना किया, ओ
तूने शिव कभी निराश ना किया। जो भी मांगा जिसने मांगा तूने है दिया, जो भी मांगा जिसने मांगा तूने है दिया। बड़ा है तेरा दायरा, ओ निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले बार बार हो, बार बार हो। कैलाश के निवासी निवासी नमो बार बार, नमो बार बार आयो शरण आयो शरण बार तो पिया सहर पिया जीवन दिया है उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू, भोले भोले।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार को ले बार बार हो, आयो शरण तिहार को ले गुणों का संहार करते हैं शिव। उनकी कृपा ना हो तो हम सब में से कोई एक भी सांस ना ले। महाकाल है शिव, कालों के भी काल महाकाल। कृपा बिना न चले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु, ले देह श्वास तेरी दया से कणो कणो, ले देह श्वास तेरी दया से कणो कणो, ले देह श्वास तेरी दया से कणो कणो, श्वास तेरी दया से करो कहे दादा, कहे दादा। दादा भजन के लेखक है, गुजराती लेखक है। दादा कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार बार बार हो, आयो शरण तिहार बोले 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 बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो। के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार साईं का हार, 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 आयो शरण तिहार साईं का हार। और उस शिवलिंग की पूजा करते करते बाबा की एक टांग पर खड़े होकर आरती करते करते मेघा कब साई से एकाकार हो गया, न मेघा जान पाया न साई। मेघा की तबीयत खराब रहने लगी। उन्नीस सौ बारह का साल, 12 जनवरी, दादा साहब खापर डे अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस दिन मेघा ने बाबा की आरती करी। मेघा थक चुका था, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी,
आरती पूरी होने के बाद बाबा ने वहां दादा साहब खापरडे और जो लोग मौजूद थे उनसे कहा कि ये मेघा की आखिरी आरती हो। सच में वो मेघा की आखिरी आरती साबित हुई। 16 जनवरी को दादा साहब खापरडे लिखते हैं, मुझे उठने में आज जरा देर हो गई थी, मैं मस्जिद गया तो देखा वहां पर माहौल बहुत गमगीन है। पता किया तो मेघा गुजर गया था। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां उसके घर पर हो रही थी। उसकी निर्जीव देह जमीन पर रखी थी। निढाल कदमों से साईं चलते हुए मेघा के कमरे तक पहुंचे। मेघा के छाती पर हाथ फेरते हुए बाबा ने कहा, ये मेरा सच्चा भक्त था, इसका ऊपर वाले से मिलन हो गया है, अब ये वापस नहीं आएगा। मेघा की अर्थी उठाई गई। उस शव यात्रा में आगे आगे बाबा चले और शिरडी गांव के कोने तक उस शव यात्रा के साथ रहे और बाद में दहाड़े मार करके रोने लगे। साईं मेरे लिए आंसू बहाए, ऐसी भक्ति हो जाए मेरी, साईं मेरे ऐसी भक्ति हो जाए मेरी। रो अब किसके लिए मैं, मेरे साए है दुनिया जाना कहाँ, जाना कहाँ इन चरणों को छोड़ के, हो जाऊँ मैं साईं की शरण में।
जब साई हमारे लिए आंसू बहाने पर मजबूर हो जाए तब हमको ये अधिकार होगा कि हम ये कहें कि हम साई के बड़े भक्त हैं। ये अधिकार भी साई हमको देंगे जब हमारी भक्ति से उनका अभिषेक होगा, जब हमारे प्रेम से उनकी आरती उतारी जाएगी, जब हमारी आंखों के काजल से हम उनकी नजर उतारेंगे, तब हम साई के बड़े या छोटे नहीं लेकिन सच्चे भक्त जरूर कहे जाएंगे। भक्ति क्या है, कौन भक्त होते हैं, क्या चीज है भक्ति? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को पाने के चार मार्ग होते हैं। योग, कर्म आदमी योग आसानी से नहीं कर पाता। हम लोग जिसको आजकल योग समझते हैं ना, वो दरअसल योग नहीं है। उसको तो हमने अपभ्रंश बना दिया है। योग आज के मॉडर्न जनरेशन के लिए योगा हो गया है। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वॉचिंग बाबा रामदेव डू योगा एंड आई एम ट्राइंग टू फॉलो हिम। योग योगा हो गया है, फैशन हो गया है। योग वो नहीं है जो हम समझते हैं, जो हम देखते हैं वो योग नहीं है। योग उससे बहुत ऊपर होता है। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मन का वृत्ति भटकाव निरोध जो रोक दे वो योग है। और योग का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं होता है, योग इससे बहुत आगे है। योग इज एन आर्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल फॉर्म, योर मेंटल फॉर्म
and your spiritual form. Sharirik, manasik aur adhyatmik. क्षमताओं में संतुलन लाने का नाम योग है, जिससे आपके मन का भटकाव रुक सके। योग मार्ग इसलिए मुश्किल है क्योंकि योग मार्ग पर आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल में करके चलना होता है, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है। योग की राह में जो भटक गया वो भोगी बन जाता है, और योग की राह में जो भोगी बन गया वो रोगी बन जाता है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्रों में भक्ति मार्ग को योग से श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान को पाने का दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग। आप अपना कर्म करते जाइए और आप पूरी निष्ठा से जब कर्म करेंगे तो आप ईश्वर को पालेंगे, भगवान को पालेंगे। लेकिन कर्म मार्ग के साथ दिक्कत यह है कि कर्म मार्ग ये कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोत्सव कर्मणि। कर्मण एव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको ये श्लोक बचपन से सिखाया जाता है और इसकी व्याख्या भी हमको गलत बताई गई है हमेशा से। हमको ये बताया गया है कि तुम कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो, जो कि गलत है। कर्मण एव अधिकार अस्ते, बंदे कर्म पर ही तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और जिस पर मेरा अधिकार नहीं है उसकी मैं चिंता कर कैसे सकता हूं? मेरा अधिकार हो तो मैं चिंता करूं ना। तुम कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। अरे फल पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं फल की चिंता कैसे करूं? कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। और जब हम कर्म करते हैं और हम फल में आसक्ति रखते हैं, क्या आज मैंने शेयर बाजार में इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे उसका इतना डिविडेंड, इतना रिटर्न मिलना चाहिए। परसों तो मैंने सुना 9 तारीख को रिलायंस का बोनस इशू भी आ रहा है, 1:1 का बोनस दे रहे हैं। अब फर्ज करिए मेरे पास 100 शेयर हैं, मैं सोच रहा हूं 9 तारीख को ये शेयर मेरे 200 हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन चेंज हो गया और नहीं मिले तो मेरा तो दिल टूट जाएगा। कर्म फल में आसक्ति जब तक रहेगी हम निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म की राह पर चलते 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 जब हम फल में अपनी आसक्ति रखते हैं। बहुत छोटा सा एक और उदाहरण दूंगा आपको। मेरा बेटा, मैंने अपने बाप की बहुत सेवा की है तो देखना मेरा बेटा भी मेरी सेवा करेगा, लेकिन बेटा नहीं करता।
तुमने अपने पिता की सेवा इसलिए की थी कि तुमको भी अपने बेटे से सेवा चाहिए थी। ये कर्म निष्काम कहा हुआ? मैं इसको खूब पढ़ा लिखा दूं तो ये कल को बहुत पैसे कमाएगा और मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा। ये हर मां बाप सोचता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होता। क्या तुमने बच्चे को लालन पालन पोषण इसलिए किया था, इसको इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि वो जब कमाई करने लगे तो तुम उसकी कमाई पर अपना बुढ़ापा गुजार सकते? तुम उसको पढ़ाओ लिखाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाओ, उसको बहुत अच्छी सुख सुविधाएं दो, उसको दुनिया का ज्ञान दो, सब दो, लेकिन उससे इच्छा मत रखो, क्योंकि उसमें हमारा अधिकार भाव आ जाता है। और बच्चों के साथ तो खास तौर पे हमारी गलती ये हो जाती है कि हम समझते हैं बच्चे हमारी संपत्ति हैं और बच्चे हमारे हैं। बच्चे हमारे नहीं होते साहब, बच्चे अपने आप में स्वतंत्र अनुभूति है। उन्होंने सिर्फ हमको माध्यम बनाया है इस दुनिया में आने का। वो अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एंटिटी है। दे डू नॉट बिलोंग टू यू, दे हैव कम थ्रू यू। जिस दिन हमने अपने आप को इस बात से रिकंसाइल कर लिया, समझ लिया, मान लिया, उस दिन जनरेशन गैप जैसे जुमले वो इररिलेवेंट अप्रासंगिक हो जाएंगे। हमने जब भी बच्चों को अपनी संपत्ति माना है, और संपत्ति का स्वभाव होता है कि संपत्ति चलाए मान होती है, कभी एक जगह ठहरती नहीं, तो जब हमने बच्चों को अपनी संपत्ति माना है तो वो दुख का कारण ही बना है। आजकल तो मैं बहुत देख रहा हूं रिश्तों में न जाने कितनी कड़वाहट आती जा रही है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, बाप बेटे के साथ बात नहीं करता, बेटा बाप की बात मानता नहीं है, मां का बात बात पर अपमान करता है बच्चा। सच्चरित्र में रिश्तों का बखान करते हुए बहुत सुंदर एक व्याख्या आई है। साईं बाबा एक दिन द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए थे एक भक्त के साथ। ऊपर छिपकली दीवार पर थी और वो कुछ आवाजें निकाल रही थी। आमतौर पे हमारे अंधविश्वासों से भरे समाज में छिपकली की आवाज निकालना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जो भक्त बाबा के साथ बैठा था उसने बिल्कुल आशंकित होकर के बाबा से पूछा, बाबा ये छिपकली क्या बोल रही है? बाबा ने कहा, तो शांति से बैठ यार, इसकी बहन आने वाली है इसलिए ये खुशी से नाच रही है। बाबा अक्सर ऐसी बातें किया करते थे जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। बाबा छोटे छोटे किस्से कहानियों में बातें करते थे जिनको हम पैराबल्स कहते हैं अंग्रेजी में। अचानक आप और मैं बैठे होंगे और बाबा अचानक ऐसी कहानी कह देंगे जिसका अर्थ न मुझे समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा, लेकिन कोई तीसरा वहां पर है जो मनी मनी ये जान जाएगा कि बाबा ने उसको समझाने के लिए ये कहानी कही है। ये बाबा की शिक्षा देने की अद्भुत विलक्षण पद्धति थी। वो भक्त वहीं बैठा रहा, मस्जिद के बाहर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगी और वो टापों की आवाज पास आती गई। देखा तो कोई सौदागर था, सच्चरित्र में लिखा है अहमदनगर से आया था। उसने अपनी घोड़ी को वहां बांध दिया, उसके ऊपर से जीन वगैरह उतारी,
एक बोरी में उसके खाने के लिए कुछ चने रखे थे, वो बोरी उल्टा करके उसके सामने डाल दिया और उस चने की बोरी में से एक छिपकली दौड़ती हुई आई और अपनी बहन जो कि उस दीवार पर मौजूद थी दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई। दोनों खूब गले मिली, नाचने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से गलपहियां करने लगी। कितने अच्छे होते हैं वो जानवर, अपने रिश्तेदारों से जिनके दिल के तार जुड़े होते हैं। स्वार्थ नहीं होता साहब, स्वार्थ नहीं होता। कहां अहमदनगर, कहां शिरडी, कहां द्वारका माई मस्जिद की दीवार पर एक छिपकली और कहां पर चने की बोरी में से निकल करके एक छिपकली। लेकिन बाबा को त्रिकाल ज्ञाता है, उनको सब पता है। रिश्तों को साहब बहुत बल दीजिए, रिश्तों से उम्मीद मत रखिए। रिश्तों से उम्मीद रखेंगे तो वो तिजारत हो गया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। या तो रिश्ते रखिए या मत रखिए, और रखिए तो उसमें देने का भाव रखें, लेने का भाव ना रखें। लेने का भाव तकलीफ देता है क्योंकि आपको उतना ही मिलना है जितना आपका पहले का ऋणानुबंध किसी से लेन देन बचा हुआ है। बाबा कहते हैं कि कोई आपके पास यूं ही नहीं चला आता, आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, एक भिखारी आपके पास मांगने आता है, आप उसको जेब में से निकाल करके 2 रुपए का सिक्का दे देते हैं, वो चला जाता है। बाबा कहते हैं अकारण कोई किसी के पास नहीं आता, ये पूर्व जन्मों का ऋणानुबंध ही है जो किसी को तुम्हारे पास खींचता है। नाना साहब चांदोरकर को बाबा ने बड़ी अद्भुत सीख दी थी इस बारे में। नाना साहब चांदोरकर के घर मुंबई में एक महिला आटा मांगने आई, भिखारी आई। नाना साहब चांदोरकर ने उसकी मांग मान ली, उसको एक शेर आटा दे दिया। उसने और मांगा, नाना साहब चांदोरकर ने उसको और दे दिया। बहुत देर तक वो औरत नाना साहब चांदोरकर से मांगती रही। नाना साहब चांदोरकर चूंकि बाबा के बहुत करीबी थे, उनमें देने का भाव था, वो उस महिला को देते गए। बाद में एक समय ऐसा आया जब नाना साहब चांदोरकर उस महिला के मांगने से परेशान होके झल्ला उठे और इतने झल्लाए कि अपनी आवाज का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया, अपने शब्दों का स्तर गिरा दिया। अक्सर जब हमारी आवाज का लेवल ऊंचा हो जाता है तो हमारे शब्द कमजोर हो जाते हैं, शब्दों का स्तर गिर जाता है। वो औरत वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद नाना साहब चांदोरकर का शिरडी जाना हुआ। बाबा ने कहा, नाना तू दिल का इतना भला है फिर ऐसी गलतियां क्यों करता है। नाना साहब को याद भी नहीं थी ये बात। तो नाना साहब ने कहा कि बाबा ये क्या कह रहे हो आप। बाबा ने कहा एक महिला तेरे घर आटा मांगने आई थी, तूने उसको आटा दिया, उसने तुझे और मांगा,
तूने और दिया। उसने बहुत मांगा, तूने बहुत दिया, लेकिन आखिर में तूने उसको दुत्कार के भगा दिया। बाबा यहां पर सीख देते हैं बाद में नाना साहब को कि कोई तुम्हारे पास यदि कोई चीज मांगने आता है, तुम दे सको तो बहुत अच्छा, न दे पाओ तो उसका अपमान मत करना। क्योंकि कोई तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आता, वो तुमको ऋण मुक्त करने आता है। तुम्हारे पिछले जन्म का कोई उससे लेन देन बाकी था, वो तुम्हारे पास वो मांगने आता है, तुमको मुक्त करने आता है कि तुम अपने लेन देन के चक्कर से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम ईश्वर के साथ मिलन का रास्ता आसान बना सको। देखिए, हम चल रहे थे भक्ति मार्ग की ओर। भक्ति मार्ग के अलावा भगवान को पाने के तीन मार्ग हैं, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग और चौथा भक्ति मार्ग। अभी हम कर्म मार्ग की बातें कर रहे हैं कि कर्म मार्ग पे चलना मुश्किल क्यों है और भक्ति मार्ग कैसे उससे बेहतर है। ये सारी जो बातें छोटी छोटी हैं, ये कर्मों की। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कर्मों का, भीमाजी पाटिल का। जुन्नर इलाके में नारायण गांव के रहने वाले भीमाजी पाटिल, उनको ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक का रोग हो गया था। बहुत वैद्यों के पास इलाज कराया, कोई फायदा ना हुआ। अब तो उनको खून की उल्टियां होने लगी थी, उनमें बिल्कुल जान नहीं बची थी, निढाल से हो गए थे, तकलीफ में जी रहे थे। नाना साहब चांदोरकर जुन्नर से होते हुए शिरडी आ रहे थे, उनके मित्र थे ये नारायण गांव के भीमाजी पाटिल। भीमाजी पाटिल की हालत नाना साहब ने देखी और कहा कि इनका कोई इलाज क्यों नहीं कराता। सबने कहा हमने इनका खूब इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नाना साहब चांदोरकर ने कहा चलो इनको अभी मेरे साथ शिरडी लिए चलो, शायद बाबा उनको बुला रहे थे। भीमाजी पाटिल को शिरडी लाया गया, बाबा के सामने उनको लिटाया गया। अब गए और तब गए, ऐसा लग रहा था सबको। रोने लगे वहां पर भीमाजी पाटिल, बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा ने अपने चरण झटक करके बाबा दूर हो गए, बोले ये तेरे कर्मों का फल है, तुझे भोगना पड़ेगा। भीमाजी पाटिल ने कहा कि बाबा मैंने तो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, कुछ नहीं किया, ये कौन से कर्मों की तुम बात कर रहे हो। बाबा ने कहा जाने अनजाने, गाहे बगाहे, न जाने कब हमसे कोई ऐसा कर्म हो जाता है जब हम किसी को तकलीफ दे देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो तेरे कर्मों का फल भोग रहा है, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा बाबा मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास आया हूं, मुझे बचा लीजिए। बाबा का दिल पसीज गया। बाबा ने हुक्म दिया, बाबा के शब्दों को मैं हुक्म ही कहूंगा, कि इसको भीमाबाई की झोपड़ी में रहने भेज दिया जाए। कहां भीमाजी पाटिल सुख संपन्न सेठ और कहां भीमाबाई उसकी छोटी सी एक निर्धन की झोपड़ी। लेकिन बाबा का आदेश था, कोई टाल कैसे सकता था। भीमाजी पाटिल को वहां लाया गया और उनको वहां बाबा की ऊदी लगाई जाती, बाबा के तीर्थ के जल से उनका स्नान कराया जाता। एक दिन रात में वो सो रहे थे,
अचानक उन्होंने देखा कि वो एक सपने में देखा कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं और उन्हें उनका मास्टर जोर जोर से बेंतों से मार रहा है। He was being spanked। उनको खेल बेंतें मारी जा रही थी और इतनी बेंतें मारी जा रही थी कि वो दर्द से चिल्ला रहे थे और सपने में चिल्लाते चिल्लाते कब वो हकीकत में उस दर्द को महसूस करके चिल्लाने लगे उनको पता नहीं चला। उनकी आंखें खुल गई, पसीने से तर बतर हो रहे थे। कुछ दिन और बीत गए, फिर एक सपना उनको आया। उन्होंने देखा कि उनकी छाती पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है और उसको वो जोर जोर से घुमा रहा है, इतनी जोर से घुमा रहा है कि उनकी चीखें निकल रही हैं। दर्द के मारे वो असहाय, दर्द के मारे चिल्लाते जा रहे थे और वो दर्द सपने से निकल करके वो चीखें सपनों से हकीकत में तब्दील हो गई और वो उड़ गए और चीखें उनकी तब भी निकल रही थी। जब वो वापस होशो आवास में आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो जो दर्द के क्षण उनको मिले थे सपने में, उस दर्द को भोग करके वो अपने रोग से मुक्त हो गए थे। इस सद्गुरु साईं की कृपा रहे अगर तो आप अपने कर्मों का फल सपनों में भी भोगकर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फल तो भोगना पड़ेगा सर, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
दिन हिसाब होगा। शिरडी में रोज साईं सत्य नारायण पूजा होती है, आप में से किसी ने की है करिएगा। रोज तीन शिफ्ट्स में होती है पूजा, और सत्य नारायण भगवान की पूजा को साईं सत्यव्रत पूजा करके किया जाता है। और इस साईं सत्यव्रत पूजा की शुरुआत इन्हीं भीमा जी पाटिल ने अपना रोग ठीक होने के बाद जुन्नर गांव जाने के बाद की थी, शुक्राने के तौर पे कि साईं मेरे लिए सत्य नारायण है। इसी भाव के साथ ये पूजा रोज अभी भी शिरडी में तीन पालियों में की जाती है। आज के कथा विराम का वक्त करीब आता जा रहा है, हम कर्मों के बारे में बाबा की एक और छोटे से किस्से पर बात करके आज की कथा को विराम देंगे। डॉक्टर पिल्लई, डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उनके पैर में नासूर हो गया। अपना इलाज तो किया ही किया, ठीक नहीं हुए दूसरों का भी इलाज किया, लेकिन उनका नासूर ठीक नहीं हुआ, उसमें मवाद हो गया था, पस फॉर्मेशन हो गया था। डॉक्टर पिल्लई बहुत दुख के साथ बाबा की शरण में लाए गए, दर्द से बिलबिला रहे थे।
उनको देखते ही बाबा ने कहा इसको हटाओ यार यहां से। बाबा ऐसी खड़ी बोली में बात किया करते थे। अगर आपने मूल साई सच्चरित्र पढ़ा हो तो उसमें तो बाबा द्वारा प्रयुक्त किए गए कई अपशब्दों का भी उल्लेख है। इसको हटाओ यहां से, इसके कर्मों का फल है, इसको भोगने दो, मैं इसमें बीच में नहीं पड़ता। डॉक्टर पिल्ले ने बड़ी इल्तिजा की, इल्तिजा करी तो बाबा का दिल पसीज गया। बाबा ने कहा ठीक है, तेरे को इस दर्द को 10 दिन भोगना पड़ेगा और 10 दिन के बाद एक काला कौवा आएगा, तेरे नासूर में चोंच मारेगा, तेरा नासूर फट जाएगा और तू ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे जो बिजनेसमैन वाली खोपड़ी होती है उसमें कैसे कैसे ख्याल आते हैं। डॉक्टर पिल्ले ही बोले बाबा मैं दर्द सहन करने को तैयार हूं, लेकिन अभी 10 दिन मत करो, इसको मेरे अगले 10 जन्मों तक इसको कर दो, मैं इस दर्द को अगले 10 जन्मों में भोग लूंगा, लेकिन मुझे अभी ठीक कर दो। बड़े लालची होते हैं हम लोग, तुरंत प्रॉफिट का जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो तुरंत प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बड़ा तकलीफ देह होता है। भक्ति में तो बिल्कुल नहीं चलता, भक्ति तो निर्मल भाव से होती है, भक्ति में युक्ति नहीं होती। भक्ति में युक्ति लाएंगे तो भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा ने कहा तुमसे कहा ना कि 10 दिन तुमको यह दर्द सहन करना है, और जो दर्द 10 दिन में दूर हो जाना चाहता है तो उसको 10 जन्मों तक क्यों भोगना चाहता है, अभी फुर्सत हो जा। कोई चारा नहीं था चिदंबरम पिल्लई के पास, वही मस्जिद में उनको नीचे की तरफ बैठने की इजाजत मिल गई। उनके नासूर पे रोज उदी लगाई जाती। कब 9 दिन गुजर गए पता नहीं चला। क्या होता है जब हम दर्द सहन करते हैं तो दर्द को सहन करने की आदत पड़ जाती है, तो उस आदत के मारे 10 दिन होने को आए। बाबा का सेवक था अब्दुल, वो झाड़ू लगा रहा था मस्जिद में, और अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे घर में भी जो मेड सर्वेंट्स होती हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वो जब झाड़ू लगाते हैं तो वो बैठ करके झाड़ू लगाते पीछे की तरफ आते हैं, तो अब्दुल वैसे ही झाड़ू लगाते हुए पीछे की तरफ आ रहा था और डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई वहीं बैठे हुए थे। उनका पैर, अब्दुल का पैर डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई के नासूर पे पड़ गया और वो उठने को गए तो और प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो नासूर फट गया, उसमें से 7 कीड़े बाहर निकल गए। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई दर्द में तो थे ही, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। लोगों ने बाबा से पूछा बाबा तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 10 दिन बाद कोई काला कौवा आएगा और इसका नासूर ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा जरा उस चिदंबरम पिल्लई को देखो तो सही, कितने खुशी से नाच रहा है, गा रहा है। अब्दुल ही तो मेरा काला कौवा था, उसने आया, उनके पैर पे पांव रखा, नासूर उनका ठीक हो गया और चिदंबरम पिल्लई गा रहे थे करम कर मेरे हाथ पर तू करी, 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 तेरा नाम है और नहीं, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है,
होने वाला है, सब कारोबार बना होने वाला है, सब कारोबार रहे नूर तेरा सदा आशिका, रहे नूर तेरा सदा आशिका, तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हर दम मददगार है, मददगार मददगार है, मददगार मददगार है, साई 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 हो, साई 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 अल्लाह साई 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 अल्लाह साई है क्या साई है हीरे
देखता उसके लिए सब एक है, करता है सबका भला। बाबा की अनुमति रही तो कल भी इस कथा के दूसरे दिन हम और आप साथ में बैठेंगे, बाबा का गुणगान करेंगे, उनकी बातें करेंगे। भूल जाइए कि ये कोई कथा हो रही है, मैं कोई कथाकार नहीं हूं, कोई कथावाचक नहीं हूं, आप ही की तरह सीधा साधा एक इंसान हूं जो उनकी मर्जी से उनकी बातें कर रहा है। समय का जरूर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब एंटीबायोटिक का डोज चलता है तो उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, और जितने डोज जितने समय के लिए लिए जाने चाहिए उतने ही समय के लिए वो डोज बराबर लेना चाहिए। अगर एक आधा डोज मिस कर देते हैं तो फिर शुरुआत से एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी। तो ये कथा हमारे अंदर के जो विकार हैं उनके लिए एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटीडोट है। साईनाथ महाराज की जय। बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।